सर किसी को भाई किसी की जान फिल्म देखी आपने, आपको कैसी लगी? जी मैंने देखी, मेरे को बहुत ही शानदार लगी, एक नंबर लगी है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या ही मतलब मूवी ला दी है। हाँ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी की है मूवी, बस थोड़ा सा वहाँ पास किए कि मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा गाने हैं, 8 से 9 गाने हैं, हाँ समथिंग 8 गाने हैं, लेकिन जो बीच बीच में म्यूजिक चलता है तो उसको अगर ऐड करोगे, जो बीच में लिरिक्स चलती है तो उनको अगर ऐड करोगे तो 9-10 सॉन्ग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ थी। ऐसा नहीं कि गाने अच्छे नहीं थे, गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो ट्रोल कर रहे थे कि हरदीप पाजी का गाना मतलब जो बीच में था लेट्स लैंड छोटू मोटू, तो ऐसे ही वल्गर है, मतलब वल्गर नहीं मतलब बहुत ही बेवकूफ़ हो जैसा सॉन्ग है। लेकिन मूवी के अंदर जब देखे हैं तो भाई उसमें अच्छा खासा साउंड कर रहा था, वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का सॉन्ग है। लेकिन कहानी करके बात करें तो कहानी तो बहुत ज़्यादा शानदार है, एक नंबर के, सभी ने अपना 100% दिया है। थोड़ा बहुत मतलब पूजा हेगड़े की ओवर एक्टिंग लगी मेरे को, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मूवी बहुत ज़्यादा शानदार थी। सलमान खान का जो कैरेक्टर था उसको उन्होंने 100% दिया है। और अगर मेन अगर बात करी जाए, जैसे लोग कहते हैं कि साउथ की कोई रीमेक की है तो रीमेक होगी, मेरे को हल्की हल्की लग रही थी कहानी की रीमेक है, लेकिन मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत लगी है बेसिक सी, लेकिन कि थोड़ा बहुत रीमेक टाइप है, बाकी यूनिक कहानी लगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कहानी थी और फैमिली एंटरटेनिंग कहानी है, एक नंबर है। और इसकी फिल्म की जो 60% शूटिंग है, जो 60% सीन्स है, वो ऐसा लगता है कि जैसे साउथ की ही फिल्म है। हिंदी की अगर बोले जाए, हिंदी तौर पे जो मतलब नॉर्थ साइड के जो सीन्स है या नॉर्थ साइड का जो टॉपिक है, जो कल्चर है, वो हमें सिर्फ 40% ही देखने को मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी। तो वहाँ की मूवी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, सभी की एक्टिंग अच्छी लगी है। शहनाज गिल का भी काफ़ी अच्छा रोल था। और एक बात कहें कि पूजा हेगड़े से ज़्यादा अच्छा रोल शहनाज गिल का ही था, तो मेरे को मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है।